गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय झुंझुनू से मैं सुमन एसएसटी की क्लास में 10th हिंदी मीडियम की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हम पढ़ रहे थे भूगोल। आपको पता है कि आपके सिलेबस में जो है वो चार पार्ट हैं, बुक एक है लेकिन पार्ट चार हैं। पहला इतिहास है, दूसरा राजनीतिक विज्ञान और तीसरा है भूगोल और चौथा है आपका अर्थशास्त्र। आज जो हमारी क्लास होगी वो अर्थशास्त्र की होगी, चैप्टर नंबर 17 की मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं। मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं, मुद्रा स्टूडेंट्स जो है वो मानव के एक महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। मुद्रा जो है उसके बिना मानव है वो कोई भी वस्तु है, किसी भी सेवा का, किसी भी वस्तु का लाभ नहीं ले सकता। इसलिए ये जो मुद्रा है, मुद्रा मानव जीवन में बहुत ही मूल्यवान है, मूल्यवान। इसके बिना मानव कोई किसी भी वस्तु का, सेवा का उपभोग नहीं कर सकता, उसको खरीद नहीं सकता। मुद्रा के बिना विनिमय है वो भी संभव नहीं है। अब आप पूछेंगे कि विनिमय क्या होता है मैम, तो विनिमय जो है वो वस्तु को, विनिमय सबसे पहले हम देखेंगे विनिमय। विनिमय का अर्थ देखिए, विनिमय वस्तु या सेवा का मुद्रा या अन्य किसी वस्तु के बदले आदान प्रदान। विनिमय क्या होता है? वस्तु या सेवा का, वस्तु या सेवा का आदान प्रदान, आदान और प्रदान, ये क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। वस्तु हो या सेवा हो, इनका जो आपस में आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, ये क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। बात कर रहे थे स्टूडेंट्स हम मुद्रा की। प्राचीन समय हमारे इतिहास में ये वर्णन मिलता है कि विनिमय जो है वो प्राचीन समय में भी हुआ करता था, यानी चीजों का, सेवाओं का लेन देन तो है वो प्राचीन समय से ही होता था। प्राचीन समय से ही जो वस्तु है या सेवा है इनका विनिमय तो होता ही था, लेकिन उसका आधार ये मुद्रा नहीं थी। ये मुद्रा प्राचीन समय में नहीं थी, धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ था, बाद में जाके मुद्रा का विकास हुआ था। तो विनिमय कैसे होता था जब मुद्रा नहीं थी? ये मुद्रा नहीं थी तो विनिमय तो होता था, ये कैसे होता था? तो ये विनिमय है, ये होता था वस्तु के बदले या सेवा के बदले, ठीक है? विनिमय होता था लेकिन मुद्रा इसमें मध्यस्थ नहीं थी। आज हम मुद्रा के द्वारा कोई भी चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई भी चीज हम ला सकते हैं और किसी को दे सकते हैं, हमें बदले में मुद्रा प्राप्त होती है, हम अगले को मुद्रा देते हैं। लेकिन प्राचीन समय में इस मुद्रा की जगह कौन था? वस्तु थी या कोई सेवा। जैसे हमें क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। और अब गेहूं हमें खरीदनी है लेकिन हमारे पास मुद्रा नहीं है, तो हम गेहूं कैसे खरीदेंगे? हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्राचीन समय की। तो विनिमय हमें करना है, हमें गेहूं खरीदना है, हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए मैं आपको जो विनिमय प्रणाली है, पुरातन प्रणाली है, वो बता रही हूं। अब स्टूडेंट्स मेरे पास चावल है लेकिन मुझे क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। अब मैं किसी ऐसे व्यक्ति को सर्च करूंगी, ऐसे व्यक्ति की खोज में निकलूंगी जिसको चावल की जरूरत हो और वो बदले में गेहूं खरीदना चाहता हो, गेहूं को वो बेचना चाह रहा हो और उसको जरूरत किस चीज की हो? चावल की जरूरत हो। और मैं, वो व्यक्ति भी किसको ढूंढेगा? जो गेहूं बेच रहा हो और गेहूं खरीद रहा हो और चावल को
लेने वाला। ये अब यहां पर मैं उसको उससे मिलूंगी, उससे क्या लेऊंगी, मैं गेहूं लेऊंगी और उसको बदले में क्या प्रदान करूंगी, चावल प्रदान करूंगी। ऐसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण हम ले, मेरे को लेने हैं जूते, जूते मेरे को खरीदने हैं, लेकिन मुद्रा मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या है यहाँ पर, मेरे पास मान लीजिए है, मेरे पास है यहाँ पर ज्वार, कोई भी चीज मान लीजिए, कोई भी चीज है मेरे पास में, मैं उसको बेच रही हूँ और बदले में क्या खरीदना चाहती हूँ, जूते खरीदना चाहती हूँ। तो मैं कैसे व्यक्ति को ढूंढूंगी, जो व्यक्ति जूते बेच रहा हो और उसको जरूरत किस चीज की हो, इस ज्वार की जरूरत हो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगी। और वो व्यक्ति किसको ढूंढेगा, वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसको जूते की जरूरत हो। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है, आपस में आदान प्रदान हो रहा है, ये आदान प्रदान प्राचीन समय में किसके द्वारा होता था, या तो वस्तु के द्वारा होता था, या फिर सेवा का उदाहरण हम देखें तो मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति को थोड़ा काम करवाना है, मुझे किसी व्यक्ति से काम लेना है, तो मैं उसको थोड़ा काम उससे करवा लूंगी और बदले में उसको या तो मैं कोई वस्तु देऊंगी जो उसको जरूरत हो, या फिर ऐसी उसको सेवा मुहैया करवाऊंगी, ऐसी सेवा उसको प्रदान करवाऊंगी जो सेवा की उसको जरूरत हो। ये जो प्राचीन विनिमय है, ये विनिमय कहलाता था वस्तु विनिमय, यानी वस्तु के बदले वस्तु खरीदना। स्टूडेंट्स, ये जो विनिमय हुआ करता था, वस्तु विनिमय, ये बहुत ही मुश्किल था, आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें हमें दूसरा उसी जरूरत के हिसाब से ढूंढना पड़ता। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया, गेहूं और चावल का उदाहरण आपको बताया, जूते और ज्वार का उदाहरण मैंने आपको बताया, सेवा का उदाहरण आपको बताया, कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि जो चीज हमारे पास में वो उसको चाहिए और उसके पास में वो हमें चाहिए। धीरे धीरे किस चीज का विकास हुआ, मुद्रा का विकास हुआ। आज की अगर हम परिकल्पना करें, उससे अगर हम आज की तुलना करें, तो आज अगर हमारे पास में मुद्रा है, तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है जो चावल खरीदे और बदले में गेहूं बेचे। ऐसे व्यक्ति को हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति से मुद्रा देकर, बदले में मुद्रा देकर हम उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, हमें जो चीज चाहिए होती है वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, अभी यस स्टूडेंट्स, तो मुद्रा जो हम मुद्रा का जब जहां हम मुद्रा से किसी सेवा का या वस्तु का लाभ उठाना चाहते हैं, तो बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं, मुद्रा दे रहे हैं। हमें किसी सर्चिंग की जरूरत नहीं है, हम किसी को ढूंढने की हमें जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमारा काम हो जाएगा। आज वस्तु की मध्यस्थता खत्म हो गई है, आज मध्यस्थता है वो किसकी है, मुद्रा की है। बिना मुद्रा के हम मुद्रा अगर हमारे पास में है, तो हम कोई भी वस्तु है वो आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो धीरे धीरे कौन क्या आ गया हमारे पास में, मुद्रा। और मुद्रा जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब मुद्रा है ये, इसके मेरे को एक पेन लेना है, क्या लेना है, मेरे को पेन लेना है, बदले में मैं भुगतान करूंगी 10 रुपए का। दुकानदार इस 10 रुपए को एक्सेप्ट कर लेगा, दुकानदार 10 रुपए को एक्सेप्ट कर लेगा और बदले में मुझे क्या दे देगा, पेन दे देगा। तो ये हमारी क्या हो गई, मुद्रा हो गई। यानी मुद्रा वो होती है जो जिसको सर्वमान्य माना जाता है, सभी लोग हैं उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं जी हम तो 10 का नोट नहीं लेंगे। दुकानदार आपको ऐसा नहीं कह सकता कि हम आपको पेन
तभी देंगे जब आप हमें कोई वस्तु या सेवा मुहैया करवाएंगे। आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता, आप उसको 10 रुपए का नोट दे रहे हैं तो वो बदले में आपको पेन दे देगा। अगर उसकी कीमत 10 रुपया है तो इस 10 रुपए को वो झुठला नहीं सकता। मुद्रा जो होती है वो सर्वमान्य होती है, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो है वो हमारे देश की मुद्रा है। अब हमारे देश की जो मुद्रा है, ये मुद्रा के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। जो मुद्रा हमारे पास में है, अधिकतर लोग ये समझते हैं कि मुद्रा करेंसी होती है, मुद्रा करेंसी होती है। मुद्रा का जो आधुनिक रूप है वो कैसा है? मुद्रा का आधुनिक रूप है वो मुद्रा हमें आधुनिक समय में कौन किस में देखने को मिलती है? नोट में, नोट देखते हैं मुद्रा के, या फिर हम क्या देखते हैं उसके? सिक्के। सिक्के भी क्या है? मुद्रा ही है, नोट और सिक्के। नोट और सिक्के जो हैं, ये हमारे भारतीय करेंसी के, जो हमारी मुद्रा प्रणाली है वो करेंसी के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए हमारे यहाँ नोट और सिक्के दोनों प्रकार के ये जो मुद्राएं हैं ये प्रचलित है। भारतीय मुद्रा को आप कैसे पहचानेंगे? आपने स्टूडेंट्स ऐसा देखा होगा यू लिखा हुआ, भारतीय मुद्रा को आप कैसे पहचानेंगे? ऐसे पहचानेंगे, ये क्या है जी? ये भारतीय मुद्रा है। क्या है? ये भारतीय मुद्रा है। भारतीय मुद्रा का ये चिन्ह, इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल आर। अंग्रेजी में भारतीय मुद्रा को कैसे पहचानेंगे? कैपिटल आर। ये जो मुद्रा का निशान है, ये जो प्रतीक है, ये किसने दिया था? सर्वप्रथम डी उदय कुमार। मुद्रा का ये जो प्रतीक है, हिंदी में ये और इंग्लिश में ये किसने दिया था? सर्वप्रथम डी उदय कुमार। अब ऐसे ही विश्व के जो अन्य राष्ट्र हैं, उनकी भी एक मुद्रा है। जैसे अमेरिका की क्या मुद्रा है? डॉलर है वहां की। ब्रिटेन की पाउंड है। तो अमेरिका के डॉलर को हम कैसे पहचानेंगे? ऐसे, ये अमेरिका के डॉलर का शाइन है, अमेरिका के डॉलर का शाइन है। और यूरोप की मुद्रा कौन सी है? यूरो। ब्रिटेन की पाउंड है। और यूरो को हम कैसे पहचानेंगे? यूरो को हम ऐसे पहचानेंगे, ये यूरो का साइन है। ये तो हमारा भारतीय क्या हो गया? रुपया। अमेरिका की हो गई ये वाले डॉलर, ये यूरो है, ये हो गई यूरो, ये हो गई आपकी डॉलर, ये यूरो। और अमेरिका की जो पाउंड है, पाउंड को कैसे पहचानेंगे? पाउंड को हम ऐसे पहचानेंगे कि ये अमेरिकन पाउंड है, ये पाउंड, सॉरी, ब्रिटेन का पाउंड है, ये पाउंड का शाइन है। अब स्टूडेंट्स देखें, इस मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे खोज हुई इस मुद्रा की, कहां से आई मुद्रा, किसने इसका विकास किया? तो मुद्रा है वो अंग्रेजी शब्द किससे बनी हुई है? मनी से, MONEY, मनी, अंग्रेजी। अंग्रेजी में मुद्रा को क्या कहा जाता है? इसकी उत्पत्ति को मनी से मानी जाती है, मनी शब्द से इसकी उत्पत्ति। यस स्टूडेंट्स, मनी से बना है मुद्रा, ये अंग्रेजी शब्द है। लेकिन इस मनी की भी लैटिन शब्द, लैटिन एक लैंग्वेज है, लैटिन शब्द
मोनेटा से बनी। अब मोनेटा से इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले रोम में सिक्के ढालने की जो टकसाल है, इस टकसाल को देवी मोनेटा के मंदिर में स्थापित किया गया था। पहले टकसाल को रोम में देवी मोनेटा के मंदिर में स्थापित किया गया था और उस टकसाल से जो पहला सिक्का निकला था, इस टकसाल से जो पहला सिक्का निकला था उस सिक्के को क्या कहा गया था? मोनेटा। और यही मोनेटा आगे जाकर किसमें बदल गया? मनी में बदल गया। यही मोनेटा आगे जाके किसमें बदल गया? मोनेटा में बदल गया। ऐसा माना जाता है कि चीन के साथ साथ भारत में भी विश्व के प्रथम सिक्के जारी करने, भारत भी है वो विश्व के अनेक राष्ट्रों में से एक ऐसा देश है जहां पर सिक्के जारी किए गए थे। भारतीय सिक्कों का इतिहास अगर हम देखें तो ईसा पूर्व से ही, ईसा मसीह के जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। ईसा मसीह के जीवन से पहले ही, ईसा पूर्व से ही भारत में सिक्कों का निर्माण है, सिक्कों का जो बनाने का काम है, टकसाल है, वो भारत में थी। चांदी के सिक्कों से इस बात का जो उत्खनन हुआ है भारत में मौर्य काल का, वहां पे हमें क्या मिले हैं? चांदी के सिक्के मिले हैं। तो उन चांदी के सिक्कों से ये बात सत्य साबित होती है कि भारत में ईसा पूर्व से ही पहले, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व ही भारत में जो सिक्के हैं ये प्रचलित थे। और रुपया जो है ये सबसे पहले भारत में शेरशाह सूरी ने चलाया था 1540 और 45 ईस्वी में। रुपया इसको सबसे पहले किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। सूरी वंश का बादशाह था ये शेरशाह सूरी, इसने चलाया था 1540 और 45 में। सबसे पहले भारत में रुपया इसने चलाया था। अब वर्तमान समय में भारत में देखो 50 पैसे, 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का भी है। नोट है वो 10 रुपए का भी है, 5 रुपए का भी है और 20 रुपए का नोट भी है भारत में, 50 रुपए का नोट भी है, 100 रुपए का नोट है, 200 का नोट है जो वर्तमान समय में चालू किया गया है और 2000 का नोट भी है। और जो 1 का है, 2 का नोट है या 5 का नोट है, बैंक ने फिलहाल इनको चलाना बंद कर रखा है, ये बनने बंद हो गए हैं। ये प्रचलन में तो हैं, चल रहे तो हैं, लेकिन ये नए नहीं बन रहे, छपने बंद हो गए हैं। और 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के जो नोट उस समय पर प्रचलित थे उनको बंद करने की घोषणा भी कर दी। कब? 8 नवंबर 2016 को हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा 500 और 1000 के नोट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। अब आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि नोटों को बनाने का काम और इनको नियंत्रित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में ये काम किया जाता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक। इस बैंक के द्वारा भारत में करेंसी की निगरानी की जाती है, RBI के द्वारा। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण क्या होता है? ये जो 8 नवंबर 2016 को नोट बंद किए गए थे कौन कौन से किए गए थे? 500 का और 1000 का। विमुद्रीकरण, वी
मुद्रीकरण, जो मुद्रा प्रचलन में है, जो मुद्रा प्रचलन में है उसको कानूनी वैधता कम करते हुए उसका प्रचलन कम बंद कर देना ही क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। यानी उसका क्या बंद कर देना? प्रचलन बंद कर देना ही क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण कहलाता है। जो मुद्रा प्रचलन में है उसकी कानूनी जो वैधता है उसको बंद कर देना, उसको प्रतिबंधित कर देना क्या कहलाता है? प्रचलित मुद्रा, प्रचलित मुद्रा की वैधता समाप्त कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। अब ये तो था मुद्रा का उदय, मुद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अब हम पढ़ेंगे मुद्रा का विकास। पहले ही स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि मुद्रा है वो आविष्कार नहीं है, मुद्रा का कोई आविष्कार नहीं हुआ है, मुद्रा का आविष्कार कोई वो एक जरूरत के हिसाब से इसका उदय, इसका प्रचलन होना, इसका आविष्कार होना क्या एक संयोग मात्र है, एक संयोग मात्र है मुद्रा का आविष्कार। क्यों? क्योंकि समय की मांग यही थी। प्राचीन समय का इतिहास मैंने आपको बताया, तो उस इतिहास में मैंने आपको ये बताया था कि प्राचीन समय में वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा विनिमय होता था, चीजों का आदान प्रदान होता था वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, जो कि कैसी प्रक्रिया थी? हार्ड थी, ढूंढना पड़ता था एक दूसरे की चीजों की, जरूरतमंद लोगों को ढूंढना पड़ता था, इसको उसकी चीज की जरूरत है, मेरे पास जो है वो अगले को जरूरत होनी चाहिए, अगला वो ही खरीद बेचना चाहिए जो मेरे को जरूरत हो। तो ये जो प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया क्या थी? टिपिकल थी, हार्ड थी। तो ऐसे में मुद्रा का आविष्कार हुआ, एक संयोग मात्र था ये। हालांकि विद्वान इसी बात को स्वीकार करते हैं कि मुद्रा का विकास है वो केवल और केवल किससे हुआ? मुद्रा का विकास है वो केवल और केवल वस्तु विनिमय प्रणाली से ही हुआ। अगर वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं होती तो मुद्रा का आविष्कार है वो नहीं हो पाता। अब वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि इसमें जो आज कार्य मुद्रा कर रही है वो ही काम पहले कौन करती थी? वस्तु या सेवा करती थी। वस्तु के बदले वस्तु को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। उसमें मध्यस्थ कौन होता था? मुद्रा नहीं होती थी, मध्यस्थता का काम करती थी कौन? वस्तु या फिर सेवा। अब इस जो धीरे धीरे किस को क्या आ गई? मुद्रा आ गई। सबसे पहले मुद्रा बनी धातु में, धातु। अब धातु जो है उससे जैसे मोहर टाइप होती है ना, वो धातु मुद्रा है। तो धातु मुद्रा जो है ये भी क्या असुविधाजनक था, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली का से व्यापार करना, विनिमय करना क्या था? असुविधाजनक था। वैसे ही धातु की मुद्रा से विनिमय करना, व्यापार करना, आदान प्रदान करना भी मुश्किल था। तो धीरे धीरे क्या आ गई? पत्र मुद्रा आ गई। अब पत्र मुद्रा है ये पत्र पे हुआ करती थी, तो इससे भी क्या है? हस्तांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जाना क्या था? मुश्किल था, और मांग भी बढ़ रही थी। तो इस वजह से ये जो पत्र मुद्रा है इसको बनाने में भी खर्चा ज्यादा आता था। पत्र मुद्रा को बनाने में खर्चा भी क्या आता था? ज्यादा आता था। तो इसलिए मुद्रा कौन सी बनाई गई? सिक्कों में और नोटों में। सबसे पहले बनी धातु, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा के बाद में बनी पत्र मुद्रा, ये मोहर। इसको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था, हस्तांतरण इसका मुश्किल था। फिर बनी पत्र मुद्रा। तो पत्र मुद्रा क्या थी? खर्चीली ज्यादा थी। फिर आई
फिर बने इसके सिक्के और नोट, तब जाके हमें आधुनिक मुद्रा है वो प्राप्त हुई है। अब इस मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं, क्या काम में आती है ये मुद्रा? किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, उस अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था किससे चलती है? पहले बताया मैंने किससे चलती है, मानक दंड किससे निकलते हैं, मुद्रा से। तो सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पे हमारी मुद्रा के विभिन्न कार्य, मुद्रा के विभिन्न कार्य क्या काम में लेते हैं भाई मुद्रा? बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। आसपास आप देखते होंगे पैसे से आप क्या खरीदते हैं भाई। सबसे पहले हम मुद्रा से क्या करेंगे, विनिमय, विनिमय, विनिमय का क्या है, यह है साधन है, विनिमय का माध्यम। मुद्रा के द्वारा सुविधा के अनुसार जो मुद्रा होती है, इससे हम आसानी से कोई भी चीज है जो हमारी आवश्यकता की है उसको आराम से खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आराम से इसके द्वारा हम विनिमय है वो कर सकते हैं, अदरवाइज तो हमें वस्तु की जरूरत पड़ती या फिर सेवा की जरूरत पड़ती। तो ये तो हो गया वस्तु विनिमय। अब दूसरा, खाते की इकाई, खाते की इकाई कोलते लगाया, इसी मुद्रा के द्वारा, इसी मुद्रा को हम एक जगह से दूसरी जगह, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भी आराम से ट्रांसफर कर सकते। वरना वस्तुओं को ले जाओ या सेवा को ले जाओ, यहां झुंझुनू के उद्योग में मान लीजिए आपको किसी सेवा की जरूरत पड़ी तो आप कहीं से भी व्यक्ति को लाकर उस सेवा का लाभ ले सकते। बदले में आप क्या करेंगे, भुगतान मुद्रा के द्वारा कर देंगे। अदरवाइज अगर ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती तो वही चीजों के बदले चीज वाला व्यक्ति हम ढूंढते कि उसको ये चीज दे देंगे और वो हमें ये सेवा प्रदान कर देगा। तो ये काम मुश्किल था, इसको इजी किसने बना दिया? मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जाया जा सकता है। और
जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को सही तरीके से और सुचारू तरीके से चलाने के लिए मुद्रा है वो अपना एक अहम किरदार निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका मुद्रा निभाती है। मुद्रा की सहायता से ही बचतों को निवेश में परिवर्तित किया जाना संभव हुआ है। अर्थव्यवस्था में बचतकर्ता और निवेशकर्ता दो अलग अलग वर्ग हैं। बचतकर्ता अपनी बचतों को मुद्रा के रूप में बैंक आदि में वित्तीय संस्थाओं में जमा करवा देते हैं। ये संस्थाएं व्यवसायियों को निवेश हेतु यह मुद्रा उधार दे देती है। अभी बताया ना मैंने आपको किस प्रकार से उसको बचत हुई और उसने दूसरे को जरूरत हुई तो उसको दे दिया, तो हमारी अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। निवेश देखिए, निवेश क्या होता है? उस वैसे है जो अर्थव्यवस्था का वास्तविक उत्पादक संपदा के स्टॉक में वृद्धि करता है। सिंपल तौर से अगर हम कहें कि निवेश, इन्वेस्टमेंट, इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो निवेश निवेश होता है किसी उसमें पैसे में, किसी व्यवसाय में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभार पूछ लेते हैं ये कि निवेश से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है, ये पूछ सकते हैं आपसे। अब तक तो स्टूडेंट्स हम सामान ही खरीद रहे थे, वस्तुएं खरीद रहे थे, क्या मुद्रा के द्वारा हम सामान और वस्तुएं खरीद सकते हैं? नहीं। इसके द्वारा हम महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो भी खरीद सकते हैं, जैसे मजदूर से लेकर, मजदूर अगर हमें हमारे घर पे सर्वेंट की जरूरत है तो वो सर्वेंट हम घर पे लाते हैं, बदले में उसका भुगतान किससे करते हैं? मुद्रा के द्वारा। डॉक्टर की हमने सेवा ली, बदले में हमने भुगतान क्या किया उसका, किस रूप में किया? सेवा थोड़ी देंगे हम उसको, वस्तु थोड़ी देंगे हम उसको, क्या देंगे? मुद्रा। तो मुद्रा केवल वस्तुओं वस्तु खरीदने के लिए नहीं होती है, मुद्रा के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं इन सेवाओं का भी आनंद या इसको काम में ले सकते हैं। अब इस निष्कर्ष तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन का या अर्थव्यवस्था का ऐसा कोई स्तर नहीं है जहां पर मुद्रा नहीं हो, या मुद्रा के बगैर कोई क्षेत्र नहीं हो किसी भी अर्थव्यवस्था में, ऐसा हम नहीं कह सकते। हर पहलू है अर्थव्यवस्था का, हर क्षेत्र है वो मुद्रा से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुद्रा क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं है। मुद्रा क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं है। अब हम पढ़ेंगे बचत और साख। बचत क्या होती है, साख क्या होती है? अभी बचत के बारे में मैंने आपको बताया था कि ए को बचत हुई और उसने जमा करवाया, फिर बी ने वहां से साख लिया, बताया ना। अभी तीन स्थितियां आपके सिलेबस में दी हुई है वो हम देखते हैं। पहली स्थिति देखिए, पंकज राजस्थान के सीकर जिले के कठराथल गांव में अपने माता पिता, दो भाई एवं एक बहन के साथ रहता है। वह एक शिक्षित तथा ऊर्जावान युवक है, उसने एक अच्छे संस्थान से व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त की है। पंकज है, सीकर जिले का है, कठराथल गांव का है। इसके माता पिता हैं, दो भाई हैं और एक बहन है। पंकज है ये बहुत ही एक शिक्षित व्यक्ति और ऊर्जावान व्यक्ति युवक है, उसने एक अच्छे संस्थान से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, व्यवसाय शुरू कर सके ऐसी शिक्षा उसने ली है, तथा वह अपना स्वयं का व्यवसाय स्थापित करना चाहता है। उसके पास व्यवसाय के अनेक विकल्प हैं, उसे बाजार की अच्छी समझ है, वह व्यवसाय के तरीके को भली भांति जानता है, फिर भी पूंजी के अभाव में वह स्वयं का व्यवसाय स्थापित नहीं कर पा रहा है।
उसके माता पिता एक सामान्य किसान हैं जो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। इस स्थिति में व्यवसाय स्थापित करने हेतु पंकज के पास एकमात्र विकल्प है और वो विकल्प कौन सा है? उधार लेना। पढ़ा लिखा व्यक्ति है, व्यवसायिक शिक्षा उसने ले रखी है, खुद का व्यवसाय वो स्थापित करना चाहता है, शिक्षा उसके पास में है, लेकिन उसके पास में क्या नहीं है? पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है उसके पास में। दूसरी स्थिति देखिए आप, संजय झुंझुनू जिले के राजपुरा गांव में रहता है। संजय है, झुंझुनू का है। उसके माता पिता वृद्ध हैं, माता पिता वृद्ध हैं तथा सामान्यतः बीमार रहते हैं। तीन भाई बहनों में वह सबसे बड़ा है तथा परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसके पास दो हेक्टर का एक छोटा सा खेत भी है। माता पिता बीमार रहते हैं, परिवार में भाई बहन है तीन, सबसे बड़ा कौन है? संजय है। 2 हेक्टर खेत भी है, वह उस पे खेती में कृषि कार्य करके प्राप्त आय से अपने परिवार का गुजारा चलाता है। 2 हेक्टर भूमि पर खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा वो चला रहा है। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व उसी का ही है। कृषि कार्य से प्राप्त होने वाली आय उसके परिवार की आवश्यकता को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है। 3 भाई बहन, 1, 2 माता पिता, 5 सदस्य हैं और कमाने का साधन क्या है? 2 हेक्टर जमीन का साधन है। कृषि कार्य से प्राप्त होने वाली आय से वो अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा नहीं कर पाता है। अतः यह आवश्यक है कि संजय किसी व्यक्ति या संस्था से आवश्यक धन उधार प्राप्त करे। इसको भी जरूरत किसकी है? उधार की। तीसरी स्थिति देखिए आप, नितेश तथा उसकी पत्नी चांदनी जयपुर में रहते हैं। ये हस्बैंड वाइफ हैं, ये कहां पर रह रहे हैं? जयपुर में। नितेश एक बैंक कर्मी है, बैंक में काम करता है ये। उसकी पत्नी भी सरकारी सेवा में है, पत्नी भी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है। दोनों मितवेयी भी हैं, मितवेयी होते फालतू खर्चे करने वाले, तथा उन्हें विरासत में अच्छा आर्थिक आधार भी मिला हुआ है। यानी विरासत में उनके परिवार की सिचुएशन ऐसी थी पहले, या परिवार वालों ने इतना उनको समृद्ध बनाया है ताकि वो अपना जीवन गुजर बसर है वो आराम से कर सके, और ऊपर से दोनों क्या करते हैं? नौकरी भी करते हैं, तो खर्चे क्यों नहीं करते भी? दोनों अपनी आय के छोटे से हिस्से से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट कर लेते हैं, अतः इनके पास आय का एक पर्याप्त हिस्सा बचत के रूप में रहता है। दोनों कमाते हैं, दोनों कमा रहे हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी जो इनकम हो रही है, कमाई हो रही है, उसमें से छोटी छोटी बचत कर लेते हैं, बचाते हैं पैसा। आय का एक पर्याप्त हिस्सा बचत के रूप में वो अपने पास में रखते हैं। यहाँ स्थिति 1 में पंकज को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने हेतु तथा स्थिति 2 में संजय को उपभोग हेतु उधार प्राप्त करने अर्थात ऋण लेने की आवश्यकता है। दोनों को ही उधार की जरूरत है। अर्थशास्त्र में ऋण या उधार प्रदान करने को ही क्या कहा जाता है? साख कहा जाता है। ऋण प्रदान करना या उधार देना अर्थशास्त्र में क्या कहलाता है? साख कहलाता है। क्या कहलाता है? साख। ऋण या उधार साख कहलाते हैं जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, बोलचाल की भाषा में शाख शब्द वित्तीय सुदृढ़ता की प्रतिष्ठा को भी बताता है, जिसके आधार पर व्यक्ति या संस्था भविष्य में भुगतान के वादे के आधार पर
ऋण प्राप्त कर सकते हैं या बगैर नगद भुगतान किए वस्तु या सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र में शाख शब्द का उपयोग ऋण के वित्तीय, ऋण के लिए वित्तीय वित्त उपलब्ध करवाना, ऋण के लिए जो पैसा मुहैया करवाया जाता है वो वित्तीय कहलाता है। जिस प्रकार विनिमय में एक पक्ष वस्तु क्रय करता है और दूसरा पक्ष क्या करता है, विक्रय करता है, एक बेचता है और दूसरा क्या करता है, उसको खरीदता है। यही तो होता है ना विनिमय में, एक खरीदता और एक बेचता है। वैसे ही क्रय तथा विक्रय की एक एक ही सौदे के दो पक्ष हैं, एक ने खरीदा और दूसरे ने बेचा। इसी प्रकार वित्त या कोष को लेने देने में एक पक्ष उधार या ऋण प्राप्त करता है तो दूसरा पक्ष शाख यानी ऋण उसको प्रदान करवाता है। एक ने जमा करवाया, अभी थोड़ी देर पहले ए बी वाला बताया था ना मैंने, एक ने बचत की, जमा करवाया, दूसरे को जरूरत हुई बी को, उसने वही पैसा वहां से ले लिया। यही क्रय और विक्रय में होता है, एक बेचता और दूसरा खरीदता है। ऐसे ही ऋण के मामले में होता है, एक बचत करके जमा करवाता है और दूसरा उसको ले लेता है। इस प्रकार वित्तीय लेन देन में जितनी राशि ऋण की प्राप्त होती है उतनी राशि शाख की होगी। जितनी राशि ऋण की प्राप्त होगी उतना ही शाख जमा होगा, जितनी बचत होगी उतना ही शाख प्रदान किया जाएगा। स्थिति तीन पर, जयपुर वाली स्थिति है ना नितेश और चांदनी की, उस पर अगर हम विचार करें तो हम यह पाते हैं कि नितेश तथा चांदनी के पास आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रह जाता है जिसको वो काम में नहीं ले पाते। आय का वह भाग जिसे उपयोग नहीं किया गया बचत कहलाता है। समझ गए ना, बचत, आय का ऐसा हिस्सा जिसका उपयोग नहीं हो पाता है वो क्या कहलाती है, बचत कहलाती है। अतः है उपभोग पर आय का आधिक्य ही बचत है। उपभोग क्या हो गया, कम, और आय क्या हो गई, ज्यादा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो क्या है, बचत है। जैसे इनकम तो हुई 50,000 की, खर्चा हुआ 30,000, बच गया कितना, माइनस कर दो 20,000, ये आपकी क्या आ गई, बचत, ये बचत हो गई। समझ गए, आय है वो ज्यादा होती है और खर्चा है वो क्या होता है, कम होता है, आय की अधिकता होती है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स,